नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। एक कटोरी तीन ग्लास लालू शरद रामविलास, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। ये दो ऐसे नारे थे जिनकी गूंज अब रामविलास पासवान की आत्मा के साथ ही पंचतत्वों में विलीन हो जाएगी। गुरुवार की शाम रामविलास पासवान ने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद हर तरफ से श्रद्धांजलियों की बाढ़ आने लगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से लेकर देश और राज्य के तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों ने अपनी तरफ से इस घटना पर दुख जताया। राबड़ी देवी ने बड़ी आत्मीयता के साथ कहा कि इस खबर के आने के बाद उनके घर का चूल्हा नहीं जला। वहीं जब प्रधानमंत्री मोदी आज रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे तो चिराग पासवान उनके कंधे पर सिर रखकर रोने लगे। उधर रामविलास पासवान के निधन की खबर सुनकर उनकी पहली पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर है कि रामविलास पासवान के परिवार, पार्टी और समर्थकों के लिए ये समय काफ़ी मुश्किल भरा है, लेकिन बिहार चुनाव भी मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में पिता के जाने के बाद चिराग पासवान के ऊपर पार्टी की जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है, चुनौतियाँ भी बढ़ गई हैं। चिराग पासवान के ऊपर फिलहाल अपने पिता की विरासत के विस्तार के साथ ही साथ अपनी पार्टी और परिवार को एकजुट रखने की भी चुनौती है। टिकट के लिए एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं के लिए इस बार कई सियासी विकल्प हैं। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के अलावा इस बार 6 फ्रंट बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन बागी नेताओं की पहली पसंद एलजेपी ही बन रही है। अब जिन्हें एलजेपी में टिकट नहीं मिल रहा वो आरएलएसपी में शामिल हो जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एलजेपी में अब तक बीजेपी के 6 कद्दावर नेता शामिल हो चुके हैं और पार्टी ने उन सभी को टिकट भी दिया है। वहीं आरएलएसपी की बात करूं तो आरएलएसपी के 42 उम्मीदवारों में से ऐसे दर्जन भर उम्मीदवार हैं जो किसी और पार्टी को छोड़कर आरएलएसपी में शामिल हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बागी नेता चुनावी मैदान में किसका खेल बनाएंगे और किसका बिगाड़ेंगे। ये चुनाव जो ना कराए। अमनौर से विधायक हैं शत्रुघ्न तिवारी, बीजेपी से हैं और इस बार बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया है, जिसके बाद बौखलाए पड़े हैं। शत्रुघ्न तिवारी जी ने ये प्रण ले लिया है कि वो अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे, केवल फलाहार पर जिंदा रहेंगे। टिकट कटने के पीछे उन्होंने सांसद राजीव प्रताप रूड़ी, सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का हाथ बताया है। कुछ दिनों पहले ही टिकट कटने पर आरा के आरजेडी विधायक को हार्ट अटैक आ गया था। वहीं जेडीयू के एक नेता फूट फूट कर रोने लगे थे। अब इन्हें कौन समझाए कि इनके पास एलजेपी और आरएलएसपी का भी ऑप्शन है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। वहीं पहले चरण में हुई नामांकन प्रक्रिया की बात करूँ तो पहले चरण में 1357 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार की रात पटना पहुंचेंगे। रविवार की सुबह वो गया जिले के गांधी मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद यहां वो मगध और शाहबाद के लोगों के लिए वोट मांगेंगे। गया के बाद पूर्णिया में भी उनका एक चुनावी कार्यक्रम है, जिसके बाद वो पटना से दिल्ली वापस लौट आएंगे। एलजेपी ने अपनी पूर्व की घोषणा के अनुसार पहले फेज में बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने अपने किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा है, लेकिन जेडीयू के 35, हम के 7 और वीआईपी के 1 उम्मीदवार के सामने एलजेपी के उम्मीदवार भी आपको चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। अब आखिरी खबर ये कि रामविलास पासवान के निधन के बाद उनका पूरा जो मंत्रालय है उसका कार्यभार अब पीयूष गोयल को संभालने के लिए दिया गया है। तो चुनावी खबरों पर लगाएंगे यही विराम और चलेंगे अपने चुनावी चिरैया के पास। ट्विटर पर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने वालों की बाढ़ है। इसी क्रम में लोजपा के ट्विटर हैंडल से शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें लिखा है, ना रह के भी दिल के पास रहेंगे, आप हमेशा हमें याद रहेंगे। एक पुत्र की अपने पिता को और बिहार की अपने अभिभावक को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। तो आज के इस चुनावी बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।